अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो मेरे पास मौजूद है सन 2005 की बहुत ही बेहतरीन गाड़ी होंडा सिविक मैनुअल ओरियल, और मैं अभी जा रहा हूँ लाहौर से इस्लामाबाद। और मैंने सोचा जाते हुए इसकी फ्यूल एवरेज चेक की जाए, क्योंकि शहर के अंदर ये बहुत ही थोड़ी फ्यूल एवरेज दे रही है, तकरीबन 10 से 11 की। जितनी भी नई कार्स मार्केट में हैं या नए मॉडल्स जो हैं, जैसे होंडा सिटी है, इवन सिविक रिबर्थ है, उसके साथ साथ आपकी करोला है, ये लॉन्ग रूट के ऊपर सुजुकी स्विफ्ट वगैरह, ये लॉन्ग रूट पर जाके 17-18 की एवरेज देती हैं। तो मुझे तजस्सुस हुआ कि ये 1600 सीसी कार लॉन्ग रूट पे क्या एवरेज देगी। तो अभी अभी मैंने पेट्रोल इसका फुल कराया है, 11,360 रुपये का तकरीबन इसका पेट्रोल अभी टैंक फुल हुआ है, और जो मीटर की सुई है वो शपाटर मारते हुए छत फाड़ते हुए ऊपर जा रही है। अभी का हमारा प्लान ये है कि जब मैं वाया जी की रोड जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तो वहाँ का जब गीगा मॉल आएगा तो मैं इसका टैंक फिर से फुल कराऊंगा, और उसके बाद मैथ्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी फ्यूल एवरेज निकालेंगे कि हमें फ्यूल एवरेज क्या देती है। ये जो महीना है ये जुलाई का है, शदीद गर्मी है तो एसी चला हुआ है, और जीजी रोड है तो स्पीड में तकरीबन 80-90-100 भी रहेगी। गाड़ी में चला रहा हूँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ही देर बाद मेरे शोरूम पर एक ऐसी गाड़ी आई है जो 16-17 लाख की रेंज में है, और उसकी सनरूफ है। ओए 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 भाईजान, मैं क्या तो मज़ा ही आ गया। वरना सनरूफ वाली गाड़ियाँ जो हैं वो होंडा रिबॉन होती है और वो फिर महंगी होती है, यानी 16-17 लाख के अंदर सनरूफ, क्या बात है यार, मज़ा ही आ गया, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, दिल गार्डन गार्डन हो रही हैं। बहरहाल आज जो है ये छुट्टियों का दिन चल रहे हैं, तो जीटी रोड भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी खाली है। मीटर मैंने कर दिया है 0.1 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ जब से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, और 11:09 हो रहे हैं, पेट्रोल की सुई छत को फाड़ते हुए ऊपर जा रही है। और एक और बहुत मज़े की बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, सिर्फ एक मिनट दीजिए मुझे आप लोग, वो ये है कि सिविक में एक छोटू सा आर्म रेस्ट भी मौजूद है ना, फिट सी चीज़। काला शाकाकू टोल प्लाजा आ चुका है, और मैंने सुना है 1 जुलाई के बाद से इनके जो रेट हैं वो 40 रुपीज़ हो चुके हैं। चलें देते हैं इनको 40 रुपये फिर। आज ये लिखा रहा है 1 जुलाई से नए रेट। तो लास्ट टाइम मैंने ये एक वीडियो करोला 1300 सीसी में बनाई थी, और मैंने कहा था कि जीटी रोड भी काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा इन बिटवीन पैचेस, तो सोचा हल्का सा जीटी रोड आप लोगों को दिखा दें कि जीटी रोड भी इन्होंने कंपैरेटिवली अच्छा मेंटेन किया हुआ है बनिस्बत जो पिछले सालों में हुआ करता था। Almost after 38 kilometers, we have reached the Gujranwala toll plaza. भाई जो सच्ची बात है, रास्ते में मरम्मतें बहुत चल रही हैं, कुछ जगहों पे जीटी रोड खराब भी है, मगर सच्ची बात है बहुत जगहों पे ये जीटी रोड मोटरवे की वाइब्स दिलाती है। I'm almost 66 kilometers into the experiment, और यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश की जैसे स्पीड मज़ीद स्लो हो जाएगी जीटी रोड के ऊपर। बहरहाल हम लगे हुए हैं, चला रहे हैं गाड़ी आराम से। ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर इन, और सामने हमारे जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, काउस हैं काफ़ी सारी ट्रक में, 1, 2, 3, 4 नज़र आ रही हैं यहाँ से। तो वी आर ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर इन टू द एक्सपेरिमेंट, और लाला मूसा आने वाला है। लाला मूसा पे मियाँ जी की दाल होती है। आज खाने का मूड नहीं है, मगर चाय का बहुत ज़्यादा मूड है, और अभी मैं वहाँ पे चाय पीऊँगा, थोड़ा सा फ्रेश होऊँगा क्योंकि थकावट सी हो गई है हल्की फुल्की। अच्छा जी, तो न्यूज़ ये है कि चाय मैंने पी ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और वी आर 135 किलोमीटर्स इनटू द एक्सपेरिमेंट। अभी की छोटी सी न्यूज़ ये है कि मैंने एसी कर दिया है ऑफ़,
क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है और एसी जो है दूसरा ठंडा कर रहा है। थर्मोस्टैट भी मैंने कम करने की कोशिश की है, मगर उसके बावजूद हल्की सी ठंड लग रही है और मेरे सर में हल्का सा ना दर्द सा हो रहा था, तो मैंने शीशे खोल लिए हैं, ये शीशा खोल लिया है, सनरूफ खोल लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की 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 बड़ी ही रोमांटिक बारिश हो रही है और इसमें सिर्फ एक नेगेटिव बात यह है कि यह सीट खाली है, मेरी बेगम मेरे साथ नहीं है, वरना सफ़र सुहाना हो जाता। बहरहाल कोई नहीं, आप लोग अभी बच्चे हो, जब शादी होगी तब समझोगे इस बात को। अच्छा जी, एसी जो है तकरीबन 15 किलोमीटर ही बंद रखा है, अभी फिर गर्मी हो गई है, छत भी बंद करती है, शीशे भी बंद करती हैं। खैर, छत का तस्करा बार बार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संदूप वाली गाड़ी पति देर बाद आई है मेरे पास। तो आई एम एंजॉइंग दिस फीचर अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, एनी हाउ, मैं बात ये करने लगा था, आई एम जेन्युइनली क्यूरियस कि हमें फ्यूल एवरेज क्या देगी। आप लोगों को क्या लगता है कि लॉन्ग रूट के ऊपर ही फ्यूल एवरेज क्या देगी? और जब बाजार आता है तो स्पीड 40-50 पे भी गिर जाती है, मगर ऑन एन एवरेज ये 70-80 की स्पीड पे मैं इसको चला रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड एवरेज लॉन्ग रूट के लिए, जब आप विच इज़ अ वेरी गुड स्पीड लॉन्ग रूट के लिए जब आप गाड़ी चला रहे हो। 80-90-100 इज़ द बेस्ट स्पीड। 110 पे फ्यूल एवरेज गिरना शुरू करती है और 120 पे फ्यूल एवरेज गिर जाती है। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, तो अगर आप लॉन्ग रूट पे ट्रैवल कर रहे हो और 100 की स्पीड पे चलाएं तो आपको बेस्ट एवरेज मिलेगी एज़ पर माय एक्सपीरियंस एंड माय लिमिटेड नॉलेज। 110 पे एवरेज मज़ीद गिरती है और 120 ऑनवर्ड्स गिरती रहती है। तो 70-80 की स्पीड पे चलाते हुए मुझे पर्सनली जो मैंने सुना है, शायद इस वजह से मैं दिमाग के अंदर वो चीज़ फिक्स हुई है, ये मुझे 14-15 किलोमीटर्स की एवरेज देगी। क्या ये उससे ज़्यादा देगी? अगर देगी तो इट वुड बी अ साइ ऑफ रिलीफ इंशाल्लाह, और अगर उससे कम देगी तो फिर डेंजर बात है भाई, और डेंजर से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ। मगर तब भी एटलीस्ट इंशाल्लाह थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ये इस्टेब्लिश हो जाएगा ये हमें फ्यूल एवरेज देती क्या है। 152 किलोमीटर्स अभी अभी मैंने हिट किया है और अभी मैं किसी शहर वाली जगह से गुजर रहा हूँ, आबादी वाली जगह से गुजर रहा हूँ, एंड सो जस्ट लाइक दैट वी हैव हिट द 200 किलोमीटर मार्क। अभी एक तैराकी टोल प्लाजा आया था, मैंने वो क्रॉस किया है, मैं अभी उस जगह से गुजर रहा हूँ जहाँ पे आबादी नहीं है, और इस्लामाबाद या गीगा मॉल आप कह सकते हैं, यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर रह गया है मेरे ख्याल तक। और जो पेट्रोल की सुई है, अगर आप लोग गौर फरमाएं तो एक क्वार्टर ऑफ टैंक जो है ये ऊपर से खा गया है। सो ऑलमोस्ट आफ्टर 245 किलोमीटर्स द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर एज आई कैन सी गीगा मॉल। कैमरा जो है वो शायद इतनी दूर से ना दिखा पाए, बहरहाल गीगा मॉल जो है मुझे वो दूर से नज़र आ गया है। तो जनाब ये रहा गीगा मॉल, इसके सामने एक पेट्रोल पंप है और वो है ये, यहाँ से हम पेट्रोल डलवाएंगे अभी इसी वक्त रियल टाइम में, चेक करते हैं पेट्रोल कितने का डलता है इंशाल्लाह। तो एक दफ़ा फिर देखते चलें, 247.3 किलोमीटर्स चल चुका हूँ मैं और अभी मैं पेट्रोल टैंक खोल के फुल कराने लगा हूँ। मैं अपने यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। ऑल राइट, सो मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज़ हियर, 17.96 का पेट्रोल डला है और टैंक हो चुका है फुल। अब हम फ्यूल एवरेज चेक करते हैं, फ्यूल एवरेज ये हमें क्या शो कर रहा है। सो 247.3 डिवाइडेड बाय 17.96, इसने मुझे लॉन्ग रूट पे एवरेज दी है तकरीबन 13.8 किलोमीटर्स पर लीटर। अगला एक्सपेरिमेंट मैं किस पे करूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप यू लाइक द वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।